Hello friends, in today's class we will discuss about very interesting topic of class 9, chapter number 5, cell, the fundamental unit of life. As we know, all living organisms are made up of tiny microscopic unit which is called cell. Now what is the cell? Cell, let us consider one example. Agar hame ek building banana ho, तो हम क्या कर सकते हैं? बिल्डिंग बनाने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए? ब्रिक चाहिए. अगर दो ब्रिक को कनेक्ट करेंगे विद सीमेंट तो ब्रिक को मिला के हम बना सकते हैं वॉल. ठीक है, वैसे ही चार वॉल मिला लेंगे तो बन जाएगा रूम. रूम मिला लेंगे, तीन चार रूम मिला के एक फ्लैट बनेगा और बहुत सारे फ्लैट ऑन ईच फ्लोर मिलाएंगे तो एक बिल्डिंग बनेगा. तो एक बिल्डिंग बनाने के लिए बेसिकली ब्रिक चाहिए. ब्रिक मिलके वॉल बनेगा, वॉल मिलके रूम बनेगा, रूम मिलके फ्लैट बनेंगे और फ्लैट से बिल्डिंग बनेगा. वैसे ही हमारे बॉडी में बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट होता है सेल. सेल मिलके टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ मिलके कोई पर्टिकुलर ऑर्गन बनता है. बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऐसी कुछ ऑर्गन सिस्टम इकट्ठा मिलके पूरे एक ऑर्गेनिज्म बनाती है. ऑल द ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल. ऑल द बेसिक एक्टिविटी कैरिड आउट इनसाइड द सेल ओनली. सो वी कैन से दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल क्या है, कैसे बना गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले तो सेल बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है तो नेकेड आई से सेल को देखना नामुमकिन था. तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप ढूंढा गया. वेरी फर्स्ट माइक्रोस्कोप इज कंस्ट्रक्टेड बाई जैकरिस जेंसन इन 1590, देन इट इज मॉडिफाइड बाई गैलीलियो एंड देन बाई रॉबर्ट हुक. सबसे पहले माइक्रोस्कोप को रॉबर्ट हुक ने मॉडिफाइड करके यूज़ किया था इन 1665. He has observed the cork piece under the microscope. Now, bark of tree को generally cork बोला जाता है. उन्होंने सबसे पहले cork के sample को microscope में study किया. जब ये samples microscope में study कर रहे थे, उन्होंने देखा कि large number of compartments जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और honeycomb like structure बना रहे हैं. तो ये जो honeycomb like structure दिख रहे थे, उन्होंने उनको नाम दिया cell. सो सबसे पहले सेल डिस्कवर्ड किया गया था बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 व्हाइल ऑब्जर्विंग कॉर्क स्ट्रक्चर. नाउ बेसिकली सेल इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है हॉलो स्पेस और लिटिल रूम. अब जब रॉबर्ट हुक ने हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा तो उनको वो स्ट्रक्चर अंदर से खाली लगा. एक्चुअली उन्होंने रिजिड सेल वॉल ऑफ डेड सेल देखा था. डेड सेल के रिजिड सेल वॉल ऑब्जर्व की थी क्योंकि बार्क सेल में सिर्फ सेल वॉल होती है क्योंकि वो मरे हुए डेड सेल होते हैं, राइट? तो उन्हें लगा कि सेल जो है वो अंदर से एक खाली चीज़ है. उनके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉग इन 1674 हु हैज अ फर्स्ट ऑब्जर्व द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर. उन्होंने पॉन्ड वाटर में बैक्टीरिया, एरिथ्रोसाइट, स्पर्म एंड प्रोटोजोआ जैसे फ्री सेल देखे. उनके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. ही हैज़ डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन रूट सेल ऑफ ऑर्किड प्लांट. ऑर्किड प्लांट को स्टडी करते वक्त उन्होंने देखा कि सेल के अंदर डेंस स्ट्रक्चर था जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस. उनके बाद आए परकिंजे इन 1839. उन्होंने सेल के अंदर के फ्लूइड मटेरियल को, सेमी फ्लूइड मटेरियल को नाम दिया प्रोटोप्लास्ट. उनके बाद सेल के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली वो मिली फ्रॉम द डिस्कवरीज ऑफ स्वीडन एंड सोन. अब स्वीडन एंड सोन जो थे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ऑन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल और उनके एक्सपेरिमेंट से जो उनको ऑब्जर्वेशंस मिले वो उन्होंने स्टेट किए एज अ सेल थियरी. तो उनके सारे ऑब्जर्वेशन को पब्लिश किया अंडर द नेम द सेल थियरी. अकॉर्डिंग टू सेल थियरी स्वीडन
एंड स्वान ने बताया कि हर एक एनिमल एंड प्लांट सेल से ही बना होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है सेल। उनके बाद रुडोल्फ वर्चू ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की। उन्होंने कहा कि हर एक न्यू सेल जो है वो पहले से एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड होके बनता है। द न्यू सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। उनके बाद इन 1932 नॉल एंड रुस्का ने एक ऐसी डिस्कवरी की जिससे सेल के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही ईजी हो गया। दे हैव डिज़ाइंड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू स्टडी द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड वेरियस ऑर्गेनल्स। तो सेल की डिस्कवरी को अगर ब्रीफ में रिवाइज करना हो तो सबसे पहले इन 1665 रॉबर्ट हुक ने सेल ढूंढा। देन इन 1674 एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल ढूंढे। इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ढूंढा। इन 1839 में परकिन जे ने प्रोटोप्लाज्म ढूंढा। उसके बाद स्वीडन एंड सोन ने सेल थियोरी स्टेट की। रुडोल्फ वर्चू ने सेल थियोरी में एक पॉइंट ऐड किया कि हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने होते हैं। और लास्टली नॉल एंड रुस्का ने इन 1932 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ढूंढा। सो फ्रॉम ऑल अबव डिस्कवरीज द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थियोरी आर फॉलोइंग। नंबर वन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। नंबर टू, ऑल न्यू सेल अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ डिविजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नंबर थ्री, All cell are basically alike in chemical composition and metabolic processes. Number 4. The function of organism as a whole is the outcome of the combined activity and interaction of constituent cell of all living beings. So this is all about what is cell and how it was discovered. In our next class, we will mainly focus about the structure of cell, which are the different types of cell, which are the cell organelles present in the cell. If you like this video, please hit the like button, share it, subscribe it. Thank you.